समझा के बजाय इन नुकात पर अपने ख्याल का इजहार के बजाय एहतजाज को रखना है। बहरहाल गजल का मतला मेरे कई दोस्तों की फरमाई बल्कि मेरे कई भाई यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए और हाजिरीन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे इतला मिली कि एक मिसरा तरह है, तो यहाँ बैठ कर मैं भी कोशिश किया चार शेर आपके हवाले इतफा करूँगा। कहता हूँ कि ऐ यज़ीद वक्त सुन ले ये मेरी ललकार है, ऐ यज़ीद वक्त सुन ले ये मेरी ललकार है, तुझसे लड़ने को हुसैनी काफिला तैयार है, तुझसे लड़ने को हुसैन काफिला तैयार है, ए यज़ीद वक्त सुन ले ये मेरी ललकार है, तुझसे लड़ने को हुसैनी काफिला तैयार है। हाँ क्या कहने भाई, पड़ोसियों का हक अदा किया जा रहा है। जी 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 शादमा साहब के पड़ोसी होना भी नसीबे की बात है। जब से आई मुल्क की गद्दी पे सरकार है, जब से आई मुल्क की गद्दी पे सरकार है, गर्म एक मोड़ पर जुल्म का बाजार है, यज़ीद वक्त सुन ले ये मेरी ललकार है, करने की कोशिश की मैंने चल चल कल तक बहुत बहुत और अपने मैं इनाम के खातिर नहीं आया हूँ, आपकी मोहब्बत ही है और मौके पर पहुँच रहा हूँ। मुल्क का हाकिम न जाने चाहता क्या है नफीस, मुल्क का हाकिम न जाने चाहता क्या है नफीस, जाने किस मिट्टी की ये जहरीली पैदा पैदावार।